छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में एक शिक्षक को हटाने की मांग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लाल बहादुर नगर के ग्रामीणों ने नवीन प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक गणेश राम साहू को हटाने की मांग की है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा है कि शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बता दें कि जिले के लाल बहादुर नगर के नवीन प्राथमिक शाला के अभिभावक बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, वहीं कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराबी शिक्षक को हटाने की मांग की। वहीं अभिभावकों का कहना है कि नवीन प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक गणेश राम साहू नशे में धुत होकर स्कूल पहुंचता है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि शिक्षक गणेश राम साहू महज 13 दिन स्कूल पहुंचता है और इन 13 दिनों में शराब के नशे में धुत रहा है। साथ ही नए शिक्षक की पदस्थापना की भी मांग की गई है। नया सर के लिए आए हैं, जो सर हमारे स्कूल में हावे वह बहुत शराबी हावे और लड़का मन अच्छा से पढ़ाई उढ़ाई नहीं पढ़ाए मन है और लड़का मन कर मारे बहुत परेशान हावे। नया टीचर बना? हाँ, नया टीचर बना। हमारे ग्राम लाल बहादुर नगर में नवीन प्राथमिक शाला स्कूल है, जहाँ पर 4 माह पूर्व एक शिक्षक का पदस्थापना हुआ था, जिसका नाम गणेश राम साहू है, जो कि पूरी तरह से स्कूल में आकर शराब पीकर हो उड़दंग करता है, ड्यूटी नहीं करता है। वह केवल मुश्किल से 4 महीने में 13 दिन स्कूल में उपस्थित रहा, उसमें भी नशे की हालत में रहा है। हम लोगों ने इसकी शिकायत बीओ साहब से की, पर उसको 3-4 बार शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ।